मिठाइयों के बिना भारतीय त्योहारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल मावा गुझिया। बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी गुझिया घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम घर पे गुझिया को बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा, मैंने सारे प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप शेयर किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक्स किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक बड़ा सा बर्तन। जो भी आप बर्तन ले थोड़ी गहराई का होना चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप के करीब मैदा। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो लगभग 200 ग्राम के करीब। जो भी आप मैदे का यूज़ करें वो अच्छे से छना होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिया एक बड़ी चम्मच घी। मैंने यहाँ पे घी को बिना मेल्ट किए यूज़ किया है। जब भी हम घी इस तरीके से यूज़ करते हैं तो जो गुझिया है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। फ्रेंड्स, यहाँ एक टिप और देना चाहती हूँ। जब भी आप गुझिया या समोसे का मोन बनाएं तो घी से दीजिए, उससे जो गुझिया है वो काफ़ी क्रिस्पी साथ ही काफ़ी सॉफ्ट बनती है। गुझिया जो है वो करारी तो होती है लेकिन साथ ही वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, इसका मतलब काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और घी को ऐड करने के बाद आपको अपने हाथों से अच्छे से रब करते हुए मोन देना है। मोवन में लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। जितना अच्छे से आप मोवन देंगे उतनी ही गुझिया जो है वो परफेक्ट बनती है। गुझिया और घी का जो मेज़रमेंट है, अगर आप 1 कप के करीब मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1/4 कप आपको घी का यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैंने टेबल स्पून को पूरा अच्छे से भर कर डाला था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए हम एक डो प्रिपेयर करेंगे। आप चाहे तो इस डो को दूध से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दूध या पानी जिसका भी आप इस्तेमाल करें वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और यहाँ पर हमें सख्त सा डो बनाना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। ये बहुत ज़रूरी टिप है गुझिया के लिए। अगर आपका डो जो है वो बहुत सॉफ्ट होगा तो गुझिया जो है वो एकदम नरम पड़ जाएगी, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंथने के बाद यहाँ पे एक परफेक्ट डो बनके बिल्कुल रेडी है। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। डो को ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम बनाएंगे गुझिया की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पहले से ही गैस पे चढ़ा रखी है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 50 ग्राम के करीब रवा यानी कि सूजी। रवा बिल्कुल अच्छे से छनी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। घी और सूजी को अच्छे से भूनना है। इसे भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। जब तक सूजी भून रही है मैंने यहाँ पर ले लिया है 10 से 15 किशमिश, 4 से 5 काजू और 2 हरी इलायची। हरी इलायची को अच्छे से कूट लेना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद रवा जो है काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मावा। तो मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ मावा यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने होममेड मावा का यूज़ किया है। आप चाहे तो बाजार का मावा भी ले सकते हैं। क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के लगभग मावा यूज़ किया है, साथ ही 50 ग्राम सूजी यूज़ की है। तो टोटल क्वांटिटी 250 ग्राम के करीब बनी है। मावा ऐड करने के बाद लगभग 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। यहाँ पे मावा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बहुत मिनिमम ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। आप चाहे तो अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स को कुछ हमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की नॉब बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। गुझिया का स्टफिंग मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब देसी खांड। में यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल क्रिस्टल शुगर पीसी हुई ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक बार मावा गुझिया बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। गुझिया की स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में और बनाते हैं गुझिया, जिसके लिए मैंने यहाँ एक चकला ले लिया है। चकले के ऊपर हम इस तरीके से छोटा सा आटे का पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है।
और इसे पूड़ी के शेप में बेलना है। पूड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। एक मीडियम साइज़ की पूड़ी आपको बेलनी है। इस तरीके से पूड़ी आपको बना लेनी है। पूड़ियों को हम गुजिया मेकर के जो साँचे आते हैं बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेना है, उसके सेंटर में रखना है। साइड्स में आपको थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि गुजिया जो वो खुले नहीं। बीच में आपको स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं भरनी है। अगर आप गुजिया को बहुत ज़्यादा फिल कर देंगे तो गुजिया जो वो फट सकती है तलते समय, तो इसका ध्यान रखिएगा। साइड में पानी लगा के आपको इसको प्रेस करके गुजिया का शेप देना है। बहुत ही आसानी से ये शेप गुजिया का बन जाता है। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आपको निकाल देना है और ये लीजिए परफेक्ट गुजिया एक शेप की बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से आपको सारी गुजिया को रेडी कर लेना है और ये लीजिए सारी गुजिया बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक महीन सा कॉटन का कपड़ा हल्का सा गीला करके उसके ऊपर डाल दिया था ताकि गुजिया जो वो सूखे नहीं। गुजिया बन के बिल्कुल रेडी है। चलिए करते हैं इसे फ्राई। गुजिया को तलने के लिए मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम एक एक करके गुजिया ऐड कर देंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालना है, 5 से 6 गुजिया आप ऐड कर सकते हैं। और गुजिया को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। जब गुजिया एक साइड से हल्की सी सिक जाएगी उसे हम पलट देंगे और लगातार चलाते हुए गुजिया को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजिया एक साइड से हल्का सा ब्राउन होने लगा है। इन्हें मैं पलट दूंगी। गुजिया को तलते समय आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे फ्राई करने में। गुजिया को तलने में लगभग 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। इसे लगातार चलाते हुए ही आपको फ्राई करना है। गुजिया बिल्कुल रेडी है, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा गुजिया का कलर आया है। बहुत ही परफेक्ट गुजिया घर पे बनके तैयार हो जाती है। और ये लीजिए क्रिस्पी सॉफ्ट टेस्टी गुजिया बनके तैयार है। इस होली इस गुजिया की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक अनदर वीडियो में एक अनदर इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए Take care everyone and bye-bye.